इस वक्त मैं फिलहाल हूँ हावड़ा ब्रिज पे और अभी हम जा रहे हैं कोलकाता की शान यानी उसकी ट्रैम में जर्नी करने। हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्रनाथ सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ये आप कह सकते हैं कोलकाता शहर का एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। जब भी कोलकाता शहर की बात की जाती है तो दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा बात होती है, एक हावड़ा ब्रिज की और दूसरी यहाँ की शान ट्रैम की। कोलकाता शहर में फर्स्ट ट्रैम चली थी इलेक्ट्रिक इन द ईयर 1902 में और आज 2021 हो चुका है और अभी भी ये ट्रैम काफ़ी स्ट्रांगली चले जा रही है। यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है और आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में कर दिया ताकि पहले का एक फील आए। और ये देखिए, ये है हमारी एसी ट्रैम जो कि चलेगी एस्प्लांडो से श्याम बाज़ार के बीच में। चलिए तो इसका इंटीरियर देखते हैं। ये देखिए जगह जगह पे एसी के डक्ट्स दिए गए हैं और अंदर से काफ़ी सिंपल है। एक चीज़ मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा और इसकी सीट्स हैं जो थोड़ी कुशनिंग वाली है जो कि इसको नॉर्मल ट्रैम से अलग बनाती है। और ये देखिए इसका नीचे का हिस्सा है, अपनी ICF बोगीस की तरह इसकी पहिए हैं। और एक बार सामने से देखते हैं, ये देखिए प्रॉपर नॉस्टैल्जिया। टिकट कॉस्टिंग की बात की जाए तो हमें 20 रुपये का एसी ट्रैम का फेयर पड़ा है, यही अगर आप नॉर्मल ट्रैम में जाते तो आपको 6 से 10 रुपये पड़ता, लेकिन हमें तो एसी ट्रैम में ट्रैवल करना था। और काफ़ी इसके फेयर पे मत जाइए क्योंकि जिस ज़माने की ये ट्रेन है ना, आज ये चल रही है वही बहुत बड़ी बात है। फेयर चाहे इसका 100 रुपये भी होता, मुझे तो मंजूर था एक ट्रैवलर के होने के नाते। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को एस्प्लांडो से श्याम बाज़ार की तरफ। और इसको और मैं थोड़ा इसमें कलरिंग वगैरह का फ़र्क डालूंगा ताकि आपको वो नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आए। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो अभी आपने सामने देख रहे हैं ये श्याम बाज़ार है और यहाँ से हमारी एसी ट्रैम वापस
इस प्लांटो की तरफ डिपार्ट हो रही है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, और मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ तो इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। और हाँ, अगली जो इसके बाद वीडियो आने वाली है वो काफ़ी स्पेशल है, और इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं स्टेशन पर कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा पीछे स्टेशन की हॉन्किंग ट्रेनों की आ रखी होगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेहद ही खास होने वाली है। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, और ये देखिए गंगा जी का थोड़ा लुत्फ उठाइए, और मिलते हैं आपसे तभी अगले वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।